अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद महीन। आज की वीडियो लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिनको मेहंदी पसंद तो है पर लगानी नहीं आती। ईद आए और मेहंदी ना लगे ये तो हो नहीं सकता। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको मेहंदी लगाना नहीं आती है। फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो मैंने कुछ मेहंदी स्टेंसिल्स ऑर्डर किए थे अपने लिए, क्योंकि मुझे भी मेहंदी बहुत पसंद है पर लगानी नहीं आती है। तो ये कुछ डिज़ाइंस जो थे वो मैंने अपने लिए ऑर्डर किए थे। आज हम करेंगे इनका रिव्यू कि इनसे सेम डिज़ाइंस लगते हैं या नहीं लगते हैं और ये कैसे, इनको कैसे लगाते हैं। यहाँ मैंने आपको सारे डिज़ाइंस जो हैं वो शो कर दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं, इनको ट्राई करते हैं कि ये कैसे यूज़ होंगे। ये ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, इसको हम यहाँ से उतारेंगे और इसको हम अपने हाथ पर लगाएंगे। और मैं अभी आपको लगा कर दिखाती हूँ और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो मेहंदी लगाएंगे और फिर हम स्टिकर को रिमूव कर देंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है हाथ पे वो बन जाएगा। तो देखते हैं कि ये जैसे दिख रहा है वैसे डिज़ाइन बनता है या नहीं बनता है। तो इसको ट्राई करते हैं। अभी ये मैं उतारूँगी यहाँ से और इसको उतार के मैं अपने हाथ पे लगाऊँगी। यहाँ पे मैंने इसको उतार के अपने हाथ पे लगा लिए हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है मेरे हाथ के लिए। ठीक है, आपने जब भी ऑर्डर करना है तो आपने अपने हैंड्स की मेजरमेंट बतानी है उनको और फिर आपके हैंड के अकॉर्डिंग जो है वो डिज़ाइन इसको बना देंगे ताकि वो इजीली एडजस्ट हो जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं इसके ऊपर मेहंदी लगाऊंगी। मेहंदी आपने रेंडम ही लगानी है, उसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि अब वो हर जगह पर लग जाए। और इसको थोड़ा सा ड्राई होने देना है ताकि मेहंदी ख़राब ना हो। मैंने यहाँ पर इसको ड्राई नहीं होने दिया था तो मेरी मेहंदी जो थी वो ख़राब हो गई थी। ये जो है 3 to 4 टाइम इजीली यूज़ हो जाता है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। इसके बाद आप इसको ऊपर से साफ़ भी कर सकते हैं। और यहाँ मैं इसको उतारूँगी, लेकिन मैंने इसको ड्राई नहीं होने दिया था तो इसलिए मेरी मेहंदी जो थी थोड़ी सी मेसअप हो गई थी। तो आपने जब भी लगानी है तो उसको थोड़ा सा ड्राई करना है। ठीक है, अब मैं इसको आपको पेपर पे रख कर दिखाऊंगी कि इसका डिज़ाइन प्रॉपर बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि मेरे हाथ के लिए हाथ से जो था ये बड़ा था तो वहाँ पे इतना प्रॉपर डिज़ाइन नहीं बना था। तो इसको मैंने पेपर पे रख कर ट्राई किया था तो बिल्कुल सही डिज़ाइन बना था। तो इसको जब भी आपने इसको ऑर्डर करना है अपने लिए तो मेक श्योर कि आप अपने हैंड का साइज़ जो है वो उनको प्रॉपर दें ताकि वो आपके हैंड के अकॉर्डिंग जो है वो इसको इसकी मेकिंग करें। वैसे तो ये बेनिफिशियल है, इसको तो मस्ट बाय करें। हम पार्लर जाते हैं, वहाँ जाकर हम 150 से 250 एक हैंड का पे करते हैं तो ये आपको इतना चीप मिल जाएगा। 150 से 250 तक आपको मिल जाएगा और आपका 3 to 4 टाइम इजीली यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, इसके स्टिकर को आराम से उतारें और फिर आराम से दोबारा लगा दें तो 3 to 4 टाइम इजीली आपका यूज़ हो जाएगा और इसी डिज़ाइन भी प्रॉपर बनेगा। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो है वो अपने हैंड के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर करें। यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट इसका डिज़ाइन बना है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, आप मस्ट बाय करें। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्दी से चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।